अब इसी में हम आगे बढ़ते हैं। जैसे हमने महत्व देखा था कि वायु राशियों का अध्ययन क्यों आवश्यक है, तो वाताग्र जनन, वाताग्र की उत्पत्ति जो है वो वायु राशियों के आधार पर ही होती है या वायु राशियों पर ही वो डिपेंड करती है। तो वाताग्र फ्रंट क्या है, आइए हम जानते हैं फ्रंट या वाताग्र के विषय में। वाताग्र या फ्रंट जो है, जैसे आप हम अपनी आम अब हम अपने सामान्य जीवन में देखते हैं कि कोई सेना है, सेना का भी फ्रंट होता है। सेना का फ्रंट मतलब जैसे अपने बॉर्डर एरिया में हम देखेंगे, भारत में जहां भारत और पाकिस्तान का बॉर्डर है, तो हम देखते हैं उधर से पाकिस्तान का जहां पर बॉर्डर है या उसकी जो सीमा है वहां से पाकिस्तानी सेना खड़ी हुई है, और जहाँ से भारत का बॉर्डर लगा हुआ है तो भारत की सीमा से लगी हुई भारतीय सेना खड़ी है। तो वो दोनों जो हैं वो एक सीमा बना रहे हैं, बीच का जो क्षेत्र है जहाँ से दोनों अलग हो रहे हैं, तो जहाँ पर आमने सामने आ रहे हैं वही उनका फ्रंट है। फ्रंट मतलब अगला हिस्सा, हम ऐसा भी इसको सामान्य भाषा में कह सकते हैं। तो यदि हम अपने ज्योग्राफी में या भूगोल में देखें कि फ्रंट क्या है, तो वाताग्र जो है जहाँ पर दो विपरीत गुणों वाली वायु राशियाँ एक दूसरे के आमने सामने आ रही हैं, तो इसे हम वाताग्र या फ्रंट के नाम से जानते हैं। हम एक लाइन में इसे कह सकते हैं कि वाताग्र वह ढलुआ पृष्ठ है जिसके सहारे दो विपरीत गुणों वाली वायु राशियाँ एक दूसरे के आमने सामने आती हैं। वाताग्र का ढलुआ पृष्ठ कैसे होगा, वो ऐसे कि अभी हमने कहा कि दो विपरीत गुणों वाली वायु राशियां, हो सकता है इधर वाली वायु राशि गर्म होगी, इधर वाली वायु राशि ठंडी होगी, तो जब ये दोनों वायु राशियां एक दूसरे के सामने आ रही हैं, मतलब एक दूसरे से भिड़ने को बिल्कुल तैयार हैं, उनमें कन्वर्ज हो रही हैं, तो कन्वर्ज होने से या अभिसरण होने से, चूँकि दोनों की विशेषताएँ अलग हैं, एक गर्म है और एक ठंडी है, तो वो दोनों एक दूसरे से एकदम मिक्सअप नहीं हो पाती और एक जो सीमा है उनके सामने निर्मित हो जाता है जहाँ पर आपको ना तो गर्म वायु राशि मिल रही है ना एकदम से ठंडी वायु राशि। तो यही सतह या जो पृष्ठ है वो हम उसे वाताग्र या फ्रंट के नाम से जानते हैं। अब ये वाताग्र की उत्पत्ति की जो प्रक्रिया है उसे हम फ्रंटोजेनेसिस, और जब ये वाताग्र ख़त्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है, तो उसे हम फ्रंटोलिसिस के नाम से जानते हैं। वाताग्र, फिर से मैं कहूँ कि ये वाताग्र भी हमारे लिए उतना ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये शीतोष्ण चक्रवातों की उत्पत्ति के लिए एक आवश्यक दशा जो है वो अनिवार्य दशा कहा जाए वो उत्पन्न करता है। आइए हम देखते हैं अब ये वाताग्र जो है वो पहले तो आवश्यक दशा हम देख लें। जहाँ पर भी वाताग्र का निर्माण होगा, ऐसे तो ये वाताग्र जो है वो लगभग 30-35 डिग्री से लेकर 60-65 डिग्री अक्षांशों के मध्य उत्पन्न होते हैं, क्योंकि इनकी जो अनिवार्य आवश्यक दशा है वो ये है कि यहाँ पर दो विपरीत गुणों वाली वायु राशियाँ आपस में अभिसरण करनी चाहिए, आपस में मिलनी चाहिए, समान गुणों वाली नहीं, मतलब एक तो गर्म होगी और दूसरी ठंडी। यही कारण है कि हम देखते हैं हमारे भूमध्य रेखीय क्षेत्र में या हम ये कहें कि ट्रॉपिकल जोन में ही कभी भी हमको वाताग्र देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि हमको पता है कि 0 डिग्री या मैं ये कहूँ ट्रॉपिकल जोन में ही भूमध्य रेखा के सहारे उत्तर की तरफ से उत्तरी गोलार्ध में उत्तर पूर्वी व्यापारिक हवाएं और दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण से दक्षिण पूर्वी व्यापारिक हवाएं जो हैं वो आकर आपस में क्या हो रही हैं, अभिसरण कर रही हैं, कन्वर्ज कर रही हैं। यहाँ पर भी कन्वर्जेंस हो रहा है, अभिसरण हो रहा है, लेकिन वाताग्र यहाँ नहीं बनेगा क्योंकि यहाँ पर उत्तर पूर्वी और दक्षिण पूर्वी दोनों ही व्यापारिक हवाओं की प्रवृत्ति कैसी है, गर्म है, गर्म हवाएं हैं वो, तो समान गुणों वाली जो वायु राशियां हैं उनसे कभी भी वाताग्र का निर्माण नहीं होगा। इसी को हम देख लेते हैं 30-35 से 60-65 के बीच में, तो हम क्या देखते हैं दक्षिण की तरफ से दक्षिण पश्चिम पछुआ हवा,
पछुआ हवा कैसी है? गर्म हवा है। और ध्रुवों की तरफ से आ रही उत्तर पूर्वी ध्रुवी हवाएं जो हैं यहाँ पर आपस में यहाँ पर भी कन्वर्ज हो रही हैं, अभिसरण कर रही हैं, है ना, आपस में भिड़ने को तैयार हैं। और जब ये दोनों भिड़ रही हैं तो दोनों की विशेषताएं जो हैं वो अलग हैं। दक्षिण की तरफ से गर्म हवा आ रही है और उत्तर की तरफ से ठंडी हवा, ठंडी ध्रुवी हवा। तो यहाँ पर वाताग्र का निर्माण हमको देखने को मिलेगा। तो ये हो गई उसकी आवश्यक दशा। अब वाताग्र के निर्माण के लिए ये भी है कि बहुत लंबे समय तक, बहुत लॉन्ग पीरियड तक जो है ये तापमान संबंधी, तापमान, दाब या आर्द्रता संबंधी विशेषताएं उन वायु राशियों की एक समान होनी चाहिए, या हम ये कहें कि बहुत लंबे समय तक उस स्थान का जहाँ पर वाताग्र का निर्माण हो रहा है वहाँ की वायुमंडलीय दशाएं जो हैं वो लगभग स्थिर होनी चाहिए। क्योंकि अगर वायुमंडलीय दशा स्थिर नहीं है, हवा जो है वो वहाँ की स्थिर नहीं है, तो क्या होगा, उसमें मूवमेंट होने से जल्दी ही दोनों में मिश्रण हो जाएगा, मिक्सअप हो जाएंगी दोनों, जो ठंडी और गर्म हवाएं हैं। उसके लिए वाताग्र बनने के लिए बहुत देर तक, बहुत लंबे समय तक वायुमंडलीय दशा स्थिर होनी चाहिए, हवाओं में बहुत ज़्यादा गति नहीं होनी चाहिए क्योंकि वो मिक्सअप हो जाएंगी। हाँ, तापमान और आर्द्रता संबंधी भी दशाएं यदि वायुमंडलीय दशाओं के संबंध में इनमें बहुत जल्दी परिवर्तन हो रहा है, ये स्थिर नहीं है, तो भी दोनों ही वायु राशियों की ये दशाएं जो हैं वो परिवर्तनशील हो जाएंगी। अब हम देख लेते हैं, ये तो हो गई कि वाताग्र की उत्पत्ति के लिए कौन सी दशाएं जो हैं वो होनी चाहिए जिसमें फ्रंटोजेनेसिस या हम कहें कि वाताग्र की उत्पत्ति की प्रक्रिया होगी। अब हम बात करते हैं इसके प्रकार, टाइप्स कितने प्रकार के होते हैं फ्रंट्स के। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं, नंबर वन है स्थायी वाताग्र, यह हम इसी को स्टेशनरी फ्रंट के नाम से भी जानते हैं। स्थायी वाताग्र कब बनेगा, जब कहीं से भी जो दो वायु राशियाँ कैसी, या तो वो गर्म होगी या ठंडी होगी, ये दोनों एक दूसरे के आमने सामने आकर मिलती हैं। हम फिर से अपने व्यवहार में अगर इसको समझें कि 30-35 से लेकर लगभग 60-65 के बीच में ये प्रक्रिया होती है, जब लगभग ध्रुवी हवाएं आ रही हैं ऊपर की तरफ से और नीचे की तरफ से पछुआ गर्म हवाएं जाकर एक दूसरे के आमने सामने खड़ी हो जाती हैं, मतलब उनकी स्थिति जो है वो आमने सामने की हो जाती है, ठीक उसी प्रकार जैसे भारतीय सेना और पाकिस्तानी सेना आकर बिल्कुल आमने सामने खड़ी हुई है। तो एक स्थायी वाताग्र मतलब, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं हो रहा है, बस वो आकर आमने सामने कन्वर्ज हो रही हैं। तो ये जो सीमा बन रही है, इस सीमा के सहारे ना तो गर्म हवा ऊपर की तरफ चढ़ेगी और ना ही ठंडी हवा में नीचे की तरफ उतरने की प्रक्रिया होगी। तो कुछ समय के लिए गर्म और ठंडी हवा अपने अपने जगह पर स्थिर रहेंगी, तो इसे हम स्टेशनरी फ्रंट या स्थायी वाताग्र के नाम से जानते हैं। नंबर टू हम देखते हैं वार्म फ्रंट, या हम इसे उष्ण वाताग्र कहते हैं। उष्ण वाताग्र में क्या होता है, वाताग्र का वह नाम कि वो उष्ण होगा या शीत होगा, उसके उस वायु राशि के ज़्यादा पर्टिकुलर उस वायु राशि के ज़्यादा आक्रामक होने से उसका नामकरण किया गया है। जैसे उष्ण वाताग्र या वार्म फ्रंट हम कह रहे हैं, तो इसमें क्या होता है, जो गर्म वायु राशि है वो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली या आक्रामक होती, मतलब ये ठंडी वायु राशि आ रही है और ये गर्म वायु राशि, तो गर्म वायु राशि जो है वो बिल्कुल तेज़ी से इसके ऊपर चढ़ने की कोशिश करती, किसके ऊपर, इस ठंडी वायु राशि के ऊपर, तो ये ज़्यादा आक्रामक है, तो इस फ्रंट का नाम हम उष्ण वाताग्र कहते हैं। और इस उष्ण वाताग्र का जो ढाल है वो लगभग 1:200 से लगभग 1:400 के बीच होती, मतलब मंद ढाल होता है, बहुत तीव्र ढाल उष्ण वाताग्र का नहीं होता है, मतलब वो एक घंटे में हम ये कह सकते हैं कि 100 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है या 400 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है, ठीक है। यदि हम व्यवहार में इसे समझें तो हम फिर से शीतोष्ण कटिबंध की बात कर रहे हैं, लगभग 30-35 से 60-65 के मध्य। तो यहाँ पर हम अपने ग्लोब या अर्थ में ये देखते हैं कि कहाँ पर उष्ण वाताग्र बनेगा,
उष्ण वाताग्र जो है वो आपके, चूँकि पछुआ हवाएं गर्म हवाएं हैं हमको मालूम है, तो ये पछुआ हवाएं जब दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ, ये बिल्कुल दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ हम देख पा रहे हैं कि मूव कर रही है, नहीं होगी इनका इनकी शक्ति जो है वो कहाँ पर हमको अधिक देखने को मिलेगी, जिस स्थान पर वो पहुँच रही हैं, किस स्थान पर पहुँच रही हैं, पूर्व की तरफ, तो वो पूरे अपनी ताकत जो है वो पूर्व दिशा की तरफ जाने को लगा देती है, जहाँ से उत्पत्ति हो रही है उतना पावर उसका वहाँ पर नहीं होगा। तो हम देखेंगे कि पूर्वी क्षेत्र में उष्ण वाताग्र का निर्माण होता है। अब नंबर 3 हम देखते हैं शीत वाताग्र, या हम इसे कोल्ड फ्रंट भी कहते हैं। कोल्ड फ्रंट में क्या होता है कि जो ठंडी वायु राशि है वो बहुत ज़्यादा आक्रामक होती है, बहुत ज़्यादा आक्रामक होती है मतलब नीचे की तरफ वो बैठने की कोशिश करती है और पुश करती है इस गर्म हवा को ऊपर उठने के लिए, यहाँ से तेज़ी से नीचे की तरफ बैठ रही है और पुश कर रही है कि आप यहाँ से जाइए हम आपकी जगह लेंगे करके गर्म वायु राशियों को। तो गर्म वायु राशि तेज़ी से ऊपर उठा देती है उसको। यहाँ पर हम देखेंगे शीत वाताग्र का जो ढाल है वो बहुत तीव्र ढाल होता है, क्योंकि यहाँ पर जो ठंडी वायु राशि है वो बहुत तेज़ी से नीचे की तरफ बैठने की कोशिश करती है। इनका ढाल जो है वो लगभग 1:40:50 से लेकर 1:100 से 1:150 के मध्य जो है वो होता है, मतलब बहुत तीव्र गति से उतर रही है, इसलिए ढाल भी जो है वो एकदम तीव्र होता है। ये शीत वाताग्र होता है और हम इसे व्यवहार में देखें अपने पृथ्वी पर, तो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं ये जो पश्चिमी जो क्षेत्र है ना, यहाँ पर शीत वाताग्र का निर्माण होगा, क्योंकि उत्तरी जो पूर्व हवाएं हैं उत्तर की तरफ से आ रही हैं, या मैं ये कहूँ ध्रुवीय पूर्व हवाएं जो पूर्व दिशा से आ रही हैं, ये पश्चिम की तरफ एकदम तेज़ी से नीचे की तरफ उतरने की कोशिश करती हैं। ध्रुवीय हवाएं ठंडी हवाएं हैं और यहाँ पर से ये पछुआ गर्म हवाओं को ऊपर की तरफ उठने के लिए पुश कर रही हैं, आप देख पा रहे होंगे। तो ग्लोब में हमारे पूरे पश्चिमी क्षेत्र में कोल्ड फ्रंट या शीत वाताग्र का निर्माण होता है। अब नंबर 4 हम देखते हैं अधिविष्ट वाताग्र या ऑक्लिडेट फ्रंट के नाम से हम इसे जानते हैं। इस वाताग्र का निर्माण तब होता है जब गर्म वायु राशि का जो कांटेक्ट है ना, वो पूरी तरह से धरातलीय सतह से ख़त्म हो जाता है या ऊपर की तरफ उठ जाता है। ये स्थिति तब होगी जब जनरली जो चक्रवात है उसकी अवसान या उस चक्रवात के ख़त्म होने की जो स्थिति आती है, जब ठंडी हवा जो है वो बहुत तेज़ी से आक्रमण करती हुई पूरी तरह से इस सतह पर जो गर्म हवा है उसको ऊपर की तरफ धकेल देती है, पुश कर देती है और उसकी जगह ले लेती है। तो इस ये गर्म वायु राशियां जो हैं वो पूरी तरह से ऊपर उठ जाती हैं संवहन के माध्यम से, और यहाँ से इसका जो कॉन्टेक्ट है वो पूरी तरह से धरातलीय सतह से ख़त्म हो जाता है। तो हम इसे बोलते हैं अधिविष्ट वाताग्र के नाम से हम इसे जानते हैं। तो ये हो गए वाताग्र के प्रकार। अब मैं इसमें कुछ आपको बताना चाहूँगी कि हमें बोर्ड एग्ज़ाम के पर्पस से हमें क्या तैयारी करनी चाहिए। जैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं, तो जो हमने वायु राशियों के संबंध में पढ़ा है कि सी को किसे डिनोट करते हैं, पी को किसे डिनोट किया जाता है, एम फॉर क्या है, यू फॉर क्या है, एस फॉर क्या है, तो ये आपको बहुत अच्छे से पता होने चाहिए। इनके इंग्लिश टर्म्स भी और हिंदी टर्म्स भी, प्रमुख रूप से वायु राशियों के जो उत्पत्ति क्षेत्र हैं वो कौन कौन से हैं, या वाताग्र का निर्माण कहाँ पर होता है, कहाँ पर वाताग्र की उत्पत्ति होती है, फ्रंटोजेनेसिस क्या है, फ्रंटोलिसिस क्या है ना, यह आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि क्या कारण है कि भूमध्य रेखीय क्षेत्र में या उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में वाताग्र निर्माण की प्रक्रिया नहीं होती है और क्यों। तो आई होप आप इन सभी बातों के जो उत्तर जो हैं वो इस लेक्चर से आपको मिल गए होंगे। बस ज़रूरत है कि आपको इसे ध्यान से देखना और समझना है। बच्चों, आप अक्सर खास करके ग्रीष्मकाल
मतलब गर्मी का मौसम जब समाप्ति की ओर आता है, एंड होता है, तो आप अपने टीवी के न्यूज़ चैनल में ये बात अक्सर सुनते होंगे और देखते भी होंगे, या ये चर्चा का विषय होता है समाचार पत्रों में कि बंगाल की खाड़ी में यास चक्रवात आया है, गुलाब चक्रवात आया है, जिसके कारण वहाँ जितने भी तटीय क्षेत्र हैं वहाँ के लोगों को, मछुआरों को अलर्ट कर दिया गया है कि ये चक्रवात या तूफान जो है वो इतनी तेज गति से आ रहा है और बहुत ज़्यादा जान माल की हानि या नुकसान उसको पहुंच सकते हैं। तो ये अलर्ट मौसम विभाग के द्वारा पहले ही कर दिया जाता है। तो ये क्या है, आज हम देखते हैं इसी चक्रवात के बारे में हम अध्ययन करेंगे कि चक्रवात होते क्या हैं, क्यों उत्पन्न होते हैं, कहाँ पर उत्पन्न होते हैं, और साथ ही साथ ये कितने प्रकार के होते हैं, क्योंकि ये बात जानना भी हमें बहुत ज़रूरी है कि हर चक्रवात जो है उससे नुकसान नहीं होता, हर बार ये हानि हमें नहीं पहुंचाते हैं। जैसे यदि हम अपने ग्लोब में टेम्परेट जोन में चले जाएं तो वहाँ पर जो चक्रवात उत्पन्न होते हैं वो हमें बहुत ज़्यादा, मतलब वो तूफ़ानी मौसम नहीं लाते, बहुत ज़्यादा हमें नुकसान नहीं पहुँचाते, बल्कि वो वहाँ पर होने वाली वर्षा के लिए उसका वो प्रमुख कारण है। और साथ ही यदि हम बात कर लें कि उत्तरी अमेरिका के तटीय क्षेत्र, खास करके संयुक्त राज्य अमेरिका के तट पर यदि हम देखेंगे तो वहाँ पर जो टॉर्नेडो की उत्पत्ति होती है, या टॉर्नेडो जो तूफान आता है, चक्रवात आता है, उससे तो मतलब ये हमको मालूम है कि टॉर्नेडो जो है वो सबसे खतरनाक या सबसे ज़्यादा विनाशकारी चक्रवात और तूफान होता है। और ये इतना तूफ़ानी होता है या इतना ज़्यादा विनाशकारी होता है, किस बात का अंदाज़ा हम इसी से लगा सकते हैं कि जहाँ पर ये उत्पन्न होते हैं उस पूरे तटीय क्षेत्र के, या जो वहाँ पर आवास पूरे के पूरा जो घर है उसे ये अपने साथ उड़ाकर ले जाते हैं। और इसके ख़तरनाक होने का अंदाज़ा हम इस बात से भी लगा सकते हैं कि आज तक इन टॉर्नेडो की जो तीव्रता है, मतलब इनमें जो हवाओं की गति है, उसका अंदाज़ा आज तक नहीं लगाया जा सका है, क्योंकि मौसम विभाग के द्वारा जो इसमें इंस्ट्रूमेंट लगाए जाते हैं, फिट किए जाते हैं, वो इसके आने के बाद कहाँ चले जाते हैं उसका कुछ भी पता नहीं होता है। तो ये कितने खतरनाक और विनाशकारी हैं इसका अंदाज़ा हम इसी बात से लगा सकते हैं। आइए हम बात करते हैं चक्रवात के विषय पर। चक्रवात, चक्र मतलब घुमावदार, गोल हम कह सकते हैं, और वात मतलब हवा, मतलब हवाओं का चक्करदार मार्ग पे या गोल गोल जो घूमना है उसे ही हम सामान्य शब्दों में क्या कह रहे हैं, चक्रवात। अब हम इसे भौगोलिक रूप में या अपने भूगोल में समझें तो चक्रवात न्यून दाब या निम्न दाब के एक ऐसे केंद्र होते हैं जिसे केंद्र के बाहर की तरफ, जैसे केंद्र है उस केंद्र में हमको लो प्रेशर एरिया होगा, वो जो सेंटर होगा निम्न दाब का केंद्र होगा, और उसके चारों तरफ, मतलब उससे हम जैसे ही उस निम्न दाब केंद्र के बाहर की तरफ निकलते हैं तो हमको क्रमशः दाब में वृद्धि होती नजर आएगी, या दाब जो है, वायु दाब जो है वो क्रमशः बढ़ता जाता है। और हमको ये बात तो पता ही है कि हवाएं जो हैं वो हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती हैं। तो चक्रवात में क्या होता है कि हवाएं जो हैं वो बाहर की तरफ, चूँकि केंद्र से बाहर की तरफ क्या हो रहा है, हाई प्रेशर है, उच्च दाब है, तो वहाँ से लो प्रेशर की तरफ, मतलब उस बाहरी क्षेत्र, वृत्ताकार जो समदाब रेखाओं से घिरा हुआ क्षेत्र है, वहाँ से अंदर केंद्र की तरफ, लो प्रेशर की तरफ हवाएं जो हैं वो चलती हैं, जिसे हम चक्रवात के नाम से जानते हैं। अब ये चक्रवात की दिशा क्या होती है, ये चक्रवात उत्तरी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज और दक्षिणी गोलार्ध में क्लॉकवाइज रूप में घूमते हैं। एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में। हमको पता है घड़ी
की जो सुई है वो कैसी चलती है ना, वो कुछ इस तरह से घूम रही है, जिसे हम क्लॉकवाइज कहते हैं। और लेकिन इसमें जो हवाएं हैं वो इसकी विपरीत दिशा मतलब एंटी क्लॉकवाइज घूमती हैं। कहाँ पर? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर या हमारे उत्तरी गोलार्ध में। लेकिन दक्षिणी गोलार्ध में इनकी स्थिति जो है वो ठीक विपरीत होती है। इसमें हवाएं जो हैं वो बाहर से केंद्र की तरफ, या हम ये कहें उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ, उनकी दिशा जो है वो क्लॉकवाइज होती है या घड़ी की सुई की दिशा में होती है। अब हम देखते हैं कि ये जो चक्रवात हैं वो आते क्यों हैं, इनकी उत्पत्ति के कारण क्या है, जिनकी वजह से इनकी उत्पत्ति होती है। हाँ, इन कारणों को जानने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे ग्लोब में, हमारी पृथ्वी पर इक्वेटर के पास, भूमध्य रेखा के पास किसी भी प्रकार का कोई चक्रवात नहीं आता है। लगभग 0 से 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिण के पास। इसका कारण हम अभी देखेंगे। मैं एक शब्द में बता दूं आपको कि कोरियालिस बल, हम पहले भी इस बल के बारे में, इस फोर्स के बारे में चर्चा कर चुके हैं। कोरियालिस बल यहाँ पर बिल्कुल न्यून होता है, नहीं के बराबर होता है। इसीलिए भूमध्य रेखा के पास किसी भी प्रकार का कोई साइक्लोन या चक्रवात नहीं आते। चक्रवात की उत्पत्ति के लिए ये कारक कुछ जो हैं वो जिम्मेदार हैं। नंबर वन हम देखते हैं दाब प्रवणता बल। दाब प्रवणता बल क्या होता है? जैसे हमने अभी कहा ना, हमने बात की कि इसके केंद्र में लो प्रेशर होता है, और जैसे जैसे हम बाहर की तरफ जाते हैं तो प्रेशर में वृद्धि होती, प्रेशर बढ़ता जाता है। तो दाब का जो अंतर है, मतलब यदि हम यहाँ पर एक रेखा के सहारे इसको समझ सकते हैं, हम यहाँ पर देख रहे हैं ये कुछ समदाब रेखाएं खींची गई हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं, मान लो 990 है, फिर 992 है, 994 है, उसके बाद हम देख रहे हैं कि रेखाएं जो हैं वो एकदम पास पास आ गई हैं, उसके बाद क्रमशः फिर दूर हो गई। तो इनके बीच का जो अंतर है, दाब में जो परिवर्तन हो रहा है, इसे ही हम क्या कहते हैं, दाब प्रवणता। और इस दाब में परिवर्तन होने की वजह से ही, या दाब प्रवणता के कारण ही जो हवाओं में क्या होती है, गति होती है। तो हवाओं में गति, कि वो अधिक स्पीड से चल रही हैं या कम स्पीड से चल रही हैं, ये डिपेंड करता है दाब प्रवणता की मात्रा कितनी है। जहाँ पर सम दाब रेखाएँ पास पास स्थित होंगी, वहाँ पर प्रवणता या दाब प्रवणता की मात्रा अधिक होगी, और जहाँ पर ये दाब रेखाएँ, सम दाब रेखाएँ जो हैं वो दूर दूर स्थित हैं, मतलब दाब की जो मात्रा है वो लगभग बहुत दूर तक या बहुत अधिक क्षेत्र में जो है वो समान है, उसके बाद बहुत देर से उसमें परिवर्तन हो रहा है। तो वहाँ पर, जहाँ पर सम दाब रेखाएँ दूर दूर स्थित होती हैं, वहाँ पर प्रवणता की मात्रा, मैं ये कहूँ कि दाब प्रवणता की मात्रा जो है वो कम होती है। आप अक्सर ये सुनते होंगे कि जो बैरोमीटर का पारा है, जब वो तेजी से नीचे गिरता है, बैरोमीटर का पारा, ये जो पारा है, अगर वो एकदम स्पीड से नीचे की ओर आ गया, मतलब क्या हुआ कि वहाँ पर दाब में तेजी से परिवर्तन हो रहा है। तो जो हाई प्रेशर था, वहाँ से पारा एकदम लो प्रेशर की तरफ तेजी से नीचे गिर गया। इट मींस क्या हुआ कि उस स्थान की जो हवा है वो उस हाई प्रेशर से लो प्रेशर वाली जगह पर जाने के लिए, या उस स्थान को भरने के लिए एकदम तेजी से वहाँ पर उतरेगी। तो हवा बहुत स्पीड से चलेगी, बहुत तेजी से चलेगी, तो वो कैसा तूफानी मौसम लेकर आएगी। तो चक्रवात की उत्पत्ति के लिए सबसे पहला कारण जो है वो प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स, या हम जिसे दाब प्रवणता बल कहते हैं। नंबर टू हम देखते हैं कोरियालिस बल है। कोरियालिस बल चक्रवात की उत्पत्ति में कैसी भूमिका है उसकी? जो हवाओं में चक्राकार गति होती है, चक्राकार गति कब होगी? कोरियालिस बल के कारण। उसके लिए, चक्रवात की उत्पत्ति के लिए किसी भी स्थान पर
कोरियालिस बल का होना बहुत आवश्यक है। और हमने थोड़ी देर पहले अभी चर्चा की कि कोरियालिस बल के एकदम न्यून होने के कारण या नहीं के बराबर होने के कारण ही भूमध्य रेखा के आसपास के क्षेत्र लगभग 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिण, उत्तरी और दक्षिणी गोलार्धों में चक्रवात नहीं बन पाते हैं या किसी प्रकार के चक्रवात की उत्पत्ति नहीं होती है। कोरियालिस बल में क्या होता है कि भाई जिसके कारण हवाएं जो हैं वो विक्षेपित हो जाती हैं, मतलब पृथ्वी की अक्षीय गति के कारण ये फोर्स उत्पन्न हो रहा है और पृथ्वी को अपनी गति को बैलेंस करने के लिए जहाँ पर मतलब अधिक गति वाले से कम गति वाले क्षेत्र की तरफ हवा चलती है तो उसमें विक्षेपण हो जाता है, वो अपने स्थान से विक्षेपित हो जाती है जिसके कारण हवाओं में चक्रीय गति उत्पन्न होती है। और इसी कारण ये उत्तरी गोलार्ध में इनकी दिशा जो है वो एंटी क्लॉकवाइज घड़ी की सुई की विपरीत दिशा और दक्षिणी गोलार्ध में इनकी दिशा जो है वो क्लॉकवाइज या घड़ी की सुई की दिशा की तरफ होती है। तो ये हो गया कोरियालिस फोर्स। और नंबर 3 हम देखते हैं अभिकेंद्रीय बल, चक्रवात की उत्पत्ति के लिए तीसरा महत्वपूर्ण कारक है अभिकेंद्रीय बल या हम जिसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। ये फोर्स जो है वो किसी भी घूमती हुई चीज़ पर लगती है। पृथ्वी भी हमको पता है कि अपने अक्ष पर लगातार घूम रही है ना, जिससे हवाएं जो हैं वो अब केंद्र से दूर जाने की प्रवृत्ति उनमें होती है। तो चक्रवात में भी हवाओं को लगातार गति करने के लिए, मतलब एक बार ऐसा नहीं कि बार वो घूम के लो प्रेशर की तरफ आई और फिर चक्रवात बंद हो गया, तो फिर हवाओं का चक्करदार मार्ग में घूमना कैसे हो पाएगा, है ना। मतलब उनमें लगातार गति का होना भी आवश्यक है या मैं ये कहूँ कि अनिवार्य दशा है। तो इसके लिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, चूँकि पृथ्वी अपने अक्ष पर लगातार घूम रही है जिसके कारण उससे लगी हुई हवा भी घूमती है, जो चक्रवात में हवाओं में लगातार गति के लिए एक आवश्यक दशा को उत्पन्न करती है। तो ये 3 फैक्टर्स या 3 कारक हम कहें या ये जो कारण हैं जो चक्रवात की उत्पत्ति के लिए आवश्यक दशा जो है वो उत्पन्न करते हैं। अब हम देखते हैं कि चक्रवात के प्रकार,